फसवणूक झाल्यामुळे शेख मुमताज यांचे पोलीस अधीक्षकांना निवेदन, मला लवकरात लवकर न्याय द्या आणि दोषींवर कारवाई करा, अशी मागणी मुमताज शेख यांनी केली आहे. फसवणूक झाल्यामुळे शेख मुमताज यांचे पोलीस अधीक्षकांना निवेदन, मला लवकरात लवकर न्याय द्या आणि दोषींवर कारवाई करा. मुमताज शेख यांनी फसवणूक झाल्यामुळे न्यायासाठी दिले पोलीस अधीक्षकांना निवेदन. निवेदनात म्हटलंय की अहमदनगर येथील सर्वे नंबर 27/1 मधील 0.81 R एवढ्या क्षेत्रामध्ये माझे 3 रूमचे रो हाऊसिंग होते. येथे लाईट मीटर पाण्याच्या हक्कासह आम्ही सहकुटुंब राहत होतो. ही रो हाऊसिंग आम्ही मळुजी नानासाहेब अवसरकर यांच्याकडून 10 लाख किमतीत विकत घेऊन नोटरी केली होती. आम्ही त्या ठिकाणी 4 वर्ष राहत असताना बिल्डर संतोष हस्तिमल गुगळे यांनी आम्हाला सांगितलं की माझ्या 19 गुंठ्यामध्ये आपण राहतात तरी मी आपल्याला बाजूला चांगल्यापैकी घर बांधून देतो. तर 5-6 महिने आम्ही नाही म्हणत होतो, परंतु तो म्हणाला की 3.5 लाख रुपये आपल्याकडे राहू द्या, तुम्हाला विश्वास राहील आणि तुम्ही दुसरीकडे 1.5 वर्ष राहण्यासाठी जा. आम्ही होकार दिला तर त्याने म्हटलं की तुम्हाला लागला तर विश्वास बसावा म्हणून बॉन्डवर सह्या करा. आणि संतोष गुगळे यांनी आमच्या कोऱ्या बॉन्डवर सह्या घेतल्या. मी 6 महिन्यांनंतर त्याच्या ऑफिसला गेले असताना त्याने मला कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं सांगितलं. त्यांनी मला 1.5 वर्ष टाळाटाळ केली. 1.5 वर्षानंतर मी त्याला भेटले असता त्याला सांगितलं की मला माझे घर बांधून द्या, तर तो म्हणाला की कोणते घर, काय घर, आपण मला ही जागा 3.5 लाख रुपयाला विकली आहे, मी ती जागा खरेदी केली आहे, माझ्याजवळ सहीनिशी खरेदी आहे. त्यांनी आमच्या कोऱ्या स्टॅम्पवर सह्या घेऊन खोटी खरेदी दाखवून माझी मोठी फसवणूक केली आहे. पोलीस अधीक्षक साहेबांनी जातीनं लक्ष घालून अशा फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरला संतोष गुगळे यांच्यावर कारवाई करून मला न्याय द्यावा, असं निवेदनात म्हटलंय. मैं मुमताज शेख बोल रही हूँ. मेरा सारसनगर में रो हाउसिंग था चिपाड़ेमाड़ा. 10 लाख रुपए दे के मैंने नाना जी मोड़ो भाव अवसर करके पास से लिया था. उसके बाद में मेरे को थोड़ा पैसे का ये आ गया तो मैंने वो बिकानी को निकाला. मेरे को मोड़ो जी अवसर करने 10 लाख रुपए की नोटरी करके दिया है पूरा पैसा जाने के बाद. बेकाने निकाला तो नाना जी ये मोड़ भाव बोले मेरे को अवसर कर के तुम 7-12 लेके आओ. 7-12 लाने को गई मैं तो दूसरों के नाम पे निकल गया 7-12. उसके बाद में मैंने मोड़ू जी अवसर कर को बोली ये 7-12 तो दूसरों के नाम पे निकला है, मैं कैसे बेच सकती हूँ. तो वो बोले ये 7-12 नहीं, क्या तुम मत छोड़ो ये रो हाउसिंग, ये मेरा है, मेरे को इसने फंसाया है पावर पोटानी में संतोष गुगड़े अस्तिमल ने, तो ये तुम छोड़ो मत. मैंने मूल मालक से मैंने इसका नोटरी करके लिया था कोर्ट से पिल्ले वकील के पास से. उसके बाद में नाना जी मोड़ भाव का गुजर जाने के बाद ये संतोष हस्तिमर ने मेरे को बोला कि मैं भाभी तुमको बांध कम करके देता. मैंने उसको 4-6 महीने नहीं बोला, मेरे को नहीं मांगता, मैं ठीक हूँ मेरी जगह पर. तो वो बोले नहीं, बोले भाभी मेरा 19 घंटे में आ रहा है. तो उसके बाद में मैंने 4-6 महीने के बाद में मैं बोला ठीक है. उसके बाद में मैंने नहीं बोला. वो बोले तुम 3.5 लाख रुपये विश्वासासाठी राहू द्या भाभी, मैं तुमको नवा बांध कम करके देता. नवा बांध कम करके देता बोलने के बाद में हमने एक उसके ऑफिस पे गए हम, मैं और मेरा लड़का. उसके बाद में उन्होंने 100 रुपये का स्टाम्प बताया मेरे को और बोला कि तुम इसके ऊपर साइन करो. तो मैं बोला काय की साइन है. तो बोले 3.5 लाख रुपए का पुरावा, तो मैंने तुमको 3.5 लाख दिया है. तो हमने उसके ऊपर 2 साइन मारे. उसके बाद में पहली लहर आ गई कोरोना की. उसके बाद में 4-6 महीने से मैं जाने के बाद बोले मेरे को संतोष सेठ क्या वो बाहर नौकर बोले ऑफिस के बाहर कि वो पॉजिटिव है. मैं आने के बाद में फिर वापस जाने के बाद वो फिर वापस गई मैं तो संतोष सेठ बोला मेरे को कि वो तुम काय को इधर बार बार चक्कर मार रहे. तो मैं बोला सर मेरा बांध काम, मेरा रो हाउसिंग किधर है, मैं कब तक बाहर रहूँ. तो वो बोले नहीं कुछ नहीं, मैंने वो तुमने वो मेरे को जगह भेज डाले. उसके बाद में सर मैं बहुत ये हो गई. मैं उसके बाद में दूसरे भी कोरोना आ गया. अभी तीसरे कोरोना के बाद मैं ज़्यादा ये हो गई. मैं कब तक बाहर रह सकती हूँ भाड़े से. इसलिए मैं गई मैं और कोर्ट में मैं बोला बाचाटे वकील सर को क्या मेरे को नहीं क्या न्याय मांगता है, मेरे साथ ऐसा अन्याय हो गया. 3.5 लाख में मेरा उसने 10 लाख करो हाउसिंग लिया है. तो बाचाटे भाव साहब बोले मेरे को कि तुम्हारे पास अभी कोई पुरावा नहीं है, उसने तो तुम्हारा तुमको बोल रहा है भेज डाले करके. तो तुम वहाँ पे शेड़ मार सकते भाभी, तुम्हारा ताबा रहने दो. तो इसने मेरे को 2 बार पुलिस की गाड़ी भेजे,
और भोसले अखाड़े के लड़के भेजे मेरे को, और मैं और मेरे दो भाऊ थे, हम तीनों लेडीज थे और एक कामगार था। पहले चक्कर में शेड मारने गए हम रात को 7:30 बजे। वो कुछ दारू पे लेते कुछ भी बोले करे, हमने वो जगह छोड़ डाले। हमने 30-25 हज़ार का मटेरियल लिए थे, वो भी हमने सेट में रख दिए। और बोले तुम एक काम करो, बोले मिटा के लेते, बोले हम ये काम बंद करो, बोले नहीं तो हम मारेंगे फिरेंगे। हमने वो काम बंद किया। दूसरे दिन बोला क्या 50 हज़ार रुपये लो तुम और केस भी मिटा दो और ये केस ये बंद करो। मैं बोला नहीं, मेरे को मेरा रो हाउसिंग मांगता, मेरी जगह मांगता, मेरी जगह बहुत महंगी है, हमने किधर जाने का गरीब ने। दूसरे दिन उन्होंने कंट्रोल रूम की गाड़ी मंगाए पुलिस वाले की और हमको भिंगर कैंप पुलिस स्टेशन में बुलाना हो गया। भिंगर वाले बोले कि तुमने भी नहीं जाने का उधर और वो भी नहीं जाने का, पर मैं कहाँ जाऊँ मैं अभी। तो ऑफिस पे जाने के बाद में संतोष सेठ ने कोरे बॉन्ड के ऊपर साया लिया मेरा और मेरे लड़के के, और हमने बोले साया काय के है, तो बोले नहीं क्या 3.5 लाख रुपये विश्वास क्या थे मैंने तुमको दिया, तुमको मेरे पे विश्वास आना बोल के, और मैं तुमको भाभी बांध काम करके दूंगा, तुम मेरे को 1-1.5 साल की मुद्दत दो, बड़ा प्लान है, मैं जल्दी तुमको नहीं दूंगा, पर तुम जब तक भाड़े से या कहीं भी तुम रह सकते तो मेरे को न्याय मांगता सर करके, मेरी फसवणूक किया उन्हें और मेरे को न्याय दो, न्याय मांगता मेरे को। प्रतिनिधि अनिकेत गवळी, News24, अहमदनगर। राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी।